वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ अ टैक्स एट अ सोर्स, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस, यूनिट थर्ड के मेरे हैंड में नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे टाइप ऑफ असेसमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग क्या होगा टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स का। द टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स मीन्स दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एट अ सर्टेन इनकम टू इनकम अर्न्स डिडक्ट इनकम टैक्स एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन सच इनकम बिफोर पेमेंट इज मेड टू देम। टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स का मतलब क्या होगा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने के लिए उस इनकम के अंदर से जो उसने अर्न किया है, उसके अंदर से पहले हम डिडक्ट करेंगे टैक्स को, उसके बाद उसकी इनकम उसको दी जाएगी। पेमेंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ एट अ टैक्स, इसके अंदर क्या आएगा सोर्सेज के अंदर, सबसे पहला हमारा आएगा सैलरी। सैलरी है सेक्शन 192 के अंदर आएगी। पेमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सेक्शन 192A के अंदर आएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193 के अंदर आएगी। डिविडेंड जो है सेक्शन 194 के अंदर आएगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो है वो सेक्शन 194A के अंदर आएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी फॉर क्रॉस कार्ड प्लाजो सेक्शन 194B के अंदर आएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिस सेक्शन 194BB के अंदर आएगा। पेमेंट टू रेजिडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो आएगा सेक्शन 194C के अंदर। इसके बाद पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन सेक्शन 194D, पेमेंट अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 194DA, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन सेक्शन 194E, पेमेंट इन रेजिडेंट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम सेक्शन 194EE, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेक्शन 194F, पेमेंट ऑफ कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स सेक्शन 194G, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज सेक्शन 194H, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट सेक्शन 194I, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 194IA। 18 पॉइंट हमारा क्या है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF सेक्शन 194IB, पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट सेक्शन 194IC। 20 क्या है, पेमेंट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J। 21 है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सेक्शन 194K, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 194LA, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन इंडिविजुअल ऑफ HUF सेक्शन 194M, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश सेक्शन 194N, ई कॉमर्स ऑपरेशन सेक्शन 194O, सीनियर सिटीजन अबो 75 सेक्शन 194P, परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन 194Q, TDS TCS ऑन फेलियर्स ऑफ ITR एट अ हायर रेट सेक्शन 206A B एंड सेक्शन 206CCA। ये थे हमारे पेमेंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ अ टैक्स एट अ सोर्स। आज की वीडियो में हमने किया डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट अ सोर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।